हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आपका रसोई घर। और आज मैं आपके साथ बहुत टेस्टी झाल मुढ़ी, जिसे भेल पूरी भी बोलते हैं, की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो इस रेसिपी के लिए सबसे पहले एक कटोरी मैंने यहाँ फरही लिया है, जिसे मुढ़ी भी बोलते हैं, और साथ में हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज और दो उबले हुए आलू को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, उसे डाल देंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब जितना इंग्रेडिएंट्स है ना, सब कुछ फॉलो कीजिएगा तो ये झाल मुढ़ी बहुत टेस्टी बनेगा। साथ में बारीक कटा हुआ टमाटर, और इसे तीखा बनाने के लिए हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च। वैसे अगर ज़्यादा आप तीखा पसंद करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा इसमें हरी मिर्च डाल सकते हैं। साथ में इसमें जाएगा बारीक कटा हुआ धनिया का पत्ता, काला नमक स्वाद अनुसार, और ऊपर से हम डाल देंगे मिक्सचर। तो जो भी मिक्सचर आपको पसंद है, आप खाते हो, उसको आप इसमें डालिए। और साथ में डाल देंगे हम इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल, और सारी चीज़ों को कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और इस रेसिपी को देख करके किसको किसको अपने बचपन की याद आ गई, जब हम स्कूल जाया करते थे तो अक्सर ये सब स्कूल के बाहर मिलता है, और उसे कुछ इस तरीके से ही वो लोग सर्व करते हैं ठोंगा में, जो कि बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके का ही ठोंगा टाइप बना करके मैंने अपने बच्चों को सर्व किया था, जो उन लोग को बहुत अच्छा लगा। और ये भेल पूरी, और या फिर आप इसे जो बोलिए, झाल मुढ़ी बन करके रेडी है। तो इसे आप चाय के साथ एंजॉय कीजिए, क्योंकि मैं अभी जा रही हूँ इसे चाय के साथ एंजॉय करने। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।